हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम भारत का महान न्यायवादी को डिस्कस करने वाले हैं, और यहां तक कि हमने लूसेंट की बुक जो है वो क्वालिटी इंडियन पॉलिटी लूसेंट जीके डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो को जाके देखें, हमने चैनल में प्लेलिस्ट बना दिए हैं आप लोगों के लिए, और आगे का डिस्कस करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम गंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको पढ़ने में मदद मिल सकेगी। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। भारत का महान्यायवादी। तो महान्यायवादी क्या होता है फ्रेंड्स? महान्यायवादी क्या होता है? इसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो पूछा गया या आपको पता होना चाहिए महान्यायवादी। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में लिख रखा है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, ऐसा लिख रखा है। तो ये महान्यायवादी अनुच्छेद 76 याद रखना है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आप देखे होंगे कि कानून बनाते समय किसी सलाहकार की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक विधि अधिकारी है। ये एक विधि अधिकारी, कानून का जानकार, विधि बनाने का जानकार, सबसे पढ़ा लिखा अधिकारी बोल सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि हमारे देश के नेता ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बिना पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा अधिकारी है। तो देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, हम देखते हैं। सबसे पहले, महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। तो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, या विधि का मतलब कानून, विधि अधिकारी या कानून अधिकारी पूछा जाएगा तो महान्यायवादी को टिक करना है आपको। महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। कभी क्वेश्चन का ऐसा भी बन सकता है, देश का प्रथम विधि अधिकारी, विधि का नॉलेज वाला, विधि का ज्ञाता, विधि कानून के बारे में सब जानता है, तो विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होता है, याद रखना है आपको। ना ही राष्ट्रपति होता है, ना ही प्रधानमंत्री, ना कोई ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, महान्यायवादी लगाना है आपको। अगला फैक्ट डिस्कस करेंगे। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है। संसद के दो सदन होते हैं आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, ना उसका भी सदस्य नहीं होता। लेकिन फिर भी ये सदन में, सदन का मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, लेकिन फिर भी ये सदन में अथवा उनकी समिति में, जो समितियां बनाई जाती है सदन में या समितियां में, बोल सकता है। बोलने का हक दिया गया इसको, ये बोल सकता है जाके क्या गलत है क्या सही है करके। जैसे पूछे किसी ने, कोई ने बोला जीएसटी वाला जो आ रहा था वो सही नहीं था, ये जाके बोलेगा सही है ना। तो ये बोल सकता है, तो समझने वाली बात है यहां पे। तो ये बोल सकता है, तो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये समझ जाओ आप। संसद में कोई भी कार्यवाही होगी तो उसमें भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी भी सलाह में बोल सकता है, यानी किसी भी मीटिंग में बोल सकता है, संसद में बोल सकता है, ये लोकसभा में बैठ सकता है, देख सकता है क्या क्या बातें हो रही है ना, तो सब ये लेकिन ये मत नहीं दे सकता। किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, किंतु ये वोट नहीं दे सकता, ये मत नहीं दे सकता। तो क्यों मत कहां से दे देगा जब संसद का सदस्य नहीं है? तो संसद का सदस्य संसद में मत दे सकता है, जब ये संसद का सदस्य ही नहीं है तो मत देगा कैसे, ये समझना है आपको। तो ये मत नहीं दे सकता, बोल सकता है, देख सकता है बैठ के, टुकुर टुकुर की कर क्या रहे हैं इन लोग, कैसा क्या कर रहे हैं, फर्जी टाइप की बात है ये वो, जो भी कर सकता है, लेकिन ये इसको मत देने का हक नहीं है। तो इतना याद रखने का है कि इन लोगों को जो है मत, यानी महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है, है ना। मतदान का अधिकार इसे नहीं दिया गया है, क्योंकि संसद का सदस्य है ही नहीं है, समझने वाली बात है आपको। ऐसा लिखा है अनुच्छेद 88 में, कि 88 में बताया गया कि ये मत नहीं दे सकता, सलाह देगा, कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है क्या सही है क्या गलत है बता सकता है, लेकिन कोई चीज का जब निर्णय हो रहा है तो उसमें मत देके उसको ऐसा जीता नहीं सकता कि मत देके, है ना। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये इसको याद रख लो। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, यानी पद धारण करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर
पद धारण करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत्र का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति चाहे तब उन्हें हटा सकता है, यानी राष्ट्रपति जब भी चाहे तब उन्हें हटा सकता है, ऐसा नहीं है राष्ट्रपति जब भी चाहे। जैसे प्रसाद पर्यंत, प्रसाद प्रसाद देने वाले की इच्छा पर डिपेंड करता है कि नहीं, कि इसको देना है नहीं देना है, इसलिए वैसा नाम याद रखिए। जैसे आप कहीं गए तो प्रसाद आपको आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, प्रसाद देने वाले की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, महान्यायवादी बनने के लिए, यानी महान्यायवादिनी बनने के लिए वह अहर्ताएं होनी चाहिए। कौन सी अहर्ताएं होनी चाहिए, कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए है। तो आप ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्या योग्यताएं चाहिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता है वैसी ही योग्यता इसके लिए भी होना। तो समझ में गए होंगे आप कितना बड़ा अधिकारी है ये, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वही योग्यताएं ये बनने के लिए चाहिए महान्यायवादी। तो कभी पूछा जा सकता है क्या योग्यता है इसके लिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता है, नहीं यानी न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं रखी गई है वही योग्यताएं हैं ये बनने के लिए, इतना याद रखें, है ना, बस इतना है। महान्यायवादी, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्रों के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। कोई भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है ये, कोई भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, मुकदमा लड़ सकता है, यानी कि निजी व्यक्ति भी, निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, ये याद रखना है। ये जो होते हैं ये निजी व्यक्ति, निजी व्यक्ति, निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ सकता, यानी सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। निजी का लड़ तो सकता है लेकिन सरकार के विरुद्ध नहीं, समझने वाली बात है, समझ गए होंगे आप। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए, अब इतना बड़ा अधिकारी है तो अकेले से काम कहां बनेगा इसका, तो इसको सहायता देने के लिए क्या होता है, सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर, एक सॉलिसिटर जनरल होता है, एक सॉलिसिटर जनरल होता है। तो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, कभी आपको पूछा जाएगा, तो महान्यायवादी की सहायता के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल, सॉरी सॉलिसिटर जनरल। और उसके अलावा दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, दो अतिरिक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। तो दो अतिरिक्त, यानी देखो महान्यायवादी होगा, उसके नीचे एक सॉलिसिटर जनरल होगा, और सॉलिसिटर जनरल के नीचे दो और है जिसको बोले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये समझ में आ गया कि दोस्तों, बहुत आसान था। देखो अब मैं बता देता हूँ यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। कौन सा अनुच्छेद में लिखा है, 79, महान्यायवादी होगा, कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 79 में, है ना। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्या योग्यताएं हैं ये बनने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के बराबर, इतना याद रखें, है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे पद धारण करता है, इसका मतलब पूर्णकालिक नहीं है। पूर्णकालिक का मतलब क्या हो जाएगा, यानी पूर्णकालिक नहीं है, इसका कोई कार्यकाल या बनाया नहीं गया कि पूर्णकालिक नहीं है, है ना। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ये, और संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। लेकिन क्या नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता, है ना, बस इतना याद रखना है। भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा लड़ सकता है, सुनवाई कर सकता है, निजी व्यक्ति के लिए भी मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन वो सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, है ना। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये अनुच्छेद 88 के तहत है, तो याद रखना है, है ना, मत नहीं दे सकता वाला। और यहां से क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, हाँ एक बात याद रखिए, त्यागपत्र किसको देता है, तो देखो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इसको हटना है नहीं रहना है, त्याग पत्र देना है, तो लिख लिख के देता है राष्ट्रपति को, ले रख धर, है ना, तो राष्ट्रपति को देगा। तो ये याद रखना है, त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह में, ये बहुत आसान है। अब याद रखना, भारत में क्या हुआ था, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, उनका नाम था एम सी शीतलवाड़। भारत के पहले प्रथम अटॉर्नी जनरल,
भारत के पहले अटॉर्नी जनरल का नाम था एम सी शीतलवाड़। भारत के पहले महान्यायवादी एम सी शीतलवाड़ थे। और वर्तमान में कौन है यहाँ महान्यायवादी वर्तमान में, तो के के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। तो समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। जो जो चीज़ मैंने बताया वो चीज़ को यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन जैसा भी बनेगा तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। एमसीक्यू यहीं से निकलते हैं थ्योरी के रूप में। अब देखिए केंद्र सरकार में यानी यहाँ पे बात हो रही थी भाग पाँच की, है ना। तो भाग पाँच यानी संघ की बात हो रही थी, तो संघ में केंद्र में एक महान्यायवादी होगा। उसी प्रकार ये 76 में था, इसमें आपको 89 जोड़ना है। आपने संविधान पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे जब भी हम राज्य की बात करते हैं तो उसमें 89 जोड़ के बनाते हैं तो सही आ जाता है। तो इसमें 89 जोड़ेंगे तो आता है अनुच्छेद 165, 89 प्लस करो तो 165। तो ये तो केंद्र के लिए था। अब राज्यों के लिए, तो जितने भी राज्य हैं हर राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, महाअधिवक्ता। इसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है, एडवोकेट जनरल। ये राज्यों के लिए होता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र में है और ये हर राज्य में अपना अपना रहता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे राज्य की, तो साथ साथ यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक चीज भूल गए थे, वेतन की बात याद रखना है। इसको इनको ये जो है महान्यायवादी को वेतन नहीं दिया जाता, इनका वेतन डिसाइड नहीं है, लेकिन भत्ते मिलते हैं, है ना। किंतु भत्ते मिलते हैं, वेतन नहीं मिलता, भत्ते मिलते हैं, वो भी राष्ट्रपति राज्य भारत की संचित निधि द्वारा। राष्ट्रपति डिसाइड करता है कितना देना है कितना नहीं करके, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति की तो खुद ही ज़्यादा वेतन होती है। नहीं, ये बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। लेकिन आपको कभी पूछा महान्यायवादी का वेतन कितना होता है, तो उसका वेतन नहीं होता लेकिन फिर भी भत्ते मिलते हैं। अब बात करते हैं महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है। जैसे महाधिवक्ता महान्यायवादी की तरह ही, जैसे ऊपर अभी पढ़े थे हमने महान्यायवादी की तरह ही, राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी को महाधिवक्ता कहते हैं। राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कानूनी अधिकारी को महाधिवक्ता कहते हैं। तो ये राज्य के लिए है, वो केंद्र के लिए था। राज्य में विधि का अधिकारी कौन होगा, तो ये होगा, है ना। तो ये इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत आसान है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का विधि यानी सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी राज्यपाल उसे जब भी चाहे पद से हटा सकता है। यहां से पढ़ते हैं, देखिए अनुच्छेद 165 याद रखो, क्योंकि 89 जोड़ोगे किसमें, 76 में 89 जोड़ोगे तो खुद ही 165 आ जाएगा, तो याद रखना है। और राज्य में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक एक महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वहां राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी होता है। राज्य का, स्टेट का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी कौन होता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जैसे केंद्र में वहां राष्ट्रपति कर रहा था वैसे ही यहां पर महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी उसकी योग्यता क्या होगी, जैसे जो हाई कोर्ट का जज जो होता है उसको जो बराबर योग्यता दी गई है उतनी ही योग्यता इसको होगी। जैसे वहां पे सुप्रीम कोर्ट के बराबर थी महान्यायवादी में, वैसे यहां पे हाई कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता रखता है। जब तो बहुत बड़ा अधिकारी है ये, विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी, वहां अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है का मतलब राज्यपाल जब चाहे उसे हटा सकता है। राज्यपाल जब चाहे, जब उसका दिमाग घूम जाए, राज्यपाल का सही आदमी नहीं है करके उसको निकाल सकता है। समझ गए होंगे आप, प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि उसकी इच्छा के हिसाब से, किसकी, राज्यपाल की इच्छा के हिसाब से, जब तक चाहे जब तक। तो जैसा महान्यायवादी था वैसे ही बस अनुच्छेद आपको याद रखना है, बस दोनों के अनुच्छेद। तो वहां पे जैसा था वहां राष्ट्रपति का रोल काल था, यहाँ पे किसका रोल है ज्यादा, राज्यपाल का है। तो महाधिवक्ता के क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं तो देख लेते हैं इनको क्या क्या कार्य हैं। तो राज्य सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राज्य
राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं, पर उनको सलाह देता है राज्य सरकार को विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं। तो राज्यपाल द्वारा जो है सौंपे गए हैं उसका पालन करे, अपने कार्य संबंधित कर्तव्यों के तहत उसके राज्य के किसी भी न्यायालय में समक्ष सुनवाई का अधिकार है। तो देखिए, ये राज्य के किसी भी न्यायालय में, सिर्फ राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई या मुकदमा लड़ सकता है। इसके अलावा ये जो विधानमंडल होता है राज्य में, उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, दोनों सदनों में बैठ सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता है, याद रखना। वहां जैसा था वैसे यहां पे। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, वेतन नहीं, इन्हें भत्ते भी दिए जाते हैं, है ना, सभी विशेषाधिकार से भत्ते मिलते हैं, भत्ते, वेतन नहीं मिलता, भत्ते विधानमंडल के सदस्य को जैसे मिलते हैं वैसे इनको ही मिलते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लेना, बाकी काम काम का मैंने आपको समझा दिया। तो इस लेक्चर में हमने महान्यायवादी और महाधिवक्ता को डिस्कस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते। अगले वीडियो में मिलते हैं, हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर डालें। कहाँ वहाँ